है, इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और इसे साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। डन। और इस 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है, और जस्ट ये पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और जस्ट उसके नीचे जो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। इतनी बातें क्लियर? लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड पहली बात तो हेमिस्फीयर और इक्वेटर ये सारी चीजें क्या है, इतनी चीजें मैंने स्टार्टिंग में भी क्लास से बताई थी, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या हैं समझने का प्रयास करें। देखो डायग्राम से पहले समझने का प्रयास करो। मानो ये तुम्हारा एक अर्थ है और इसके ठीक हमने सेंटर से इक्वेटर लाइन ड्रॉ किया और हर एक लाइन इसे ड्रॉ करते चले गए। ठीक है, हर एक लाइन कहां से कहां तक, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैप में हमेशा ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है और नॉर्थ होता है, और इस साइड जो होता है वो ईस्ट होता है और इस साइड वेस्ट होता है। तो ठीक है, ऐसी लाइनें जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट चले, यानी वेस्ट टू ईस्ट चले, वो क्या कहलाता है बताओ? लैटिट्यूड कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? लैटिट्यूड लाइन और ऐसी लाइन, इन्हीं लाइनों में ये नीचे भी हो सकती है और ये ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से, और ये पूरे अर्थ पे बटी हो सकती है। ठीक है, ऐसी लाइन। हाँ बोलो शिवराम, तुम कुछ कहना चाहते हो? आवाज आ रही है शिवराम? तुम्हारी आवाज आवाज तो सर क्लियर नहीं आ एक रही। बार आ रहा है सर। सर क्या कह रहे हो? आर्टिस्ट सर आ रहे तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही शिवराम। शिवराम नेटवर्क में आओ और एक बार आवाज क्लियर करो। ठीक है, हमारी जो लाइनें वेस्ट टू ईस्ट या ये एक सर्कल में इस तरीके से लाइनें चलती रहती है, ऐसे ऐसे हमारा अर्थ है। अर्थ मान लो ये है, तो अर्थ ऐसे ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसके ठीक ईस्ट टू वेस्ट ऐसे ऐसे जो लाइनें ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से लाइनें चलती रहती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। इसे ही हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसी तरीके से जो सेंटर में एक लाइन जो डिवाइड करती है, जो 0 डिग्री पर डिवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कह देते हैं। यही देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये लैटिट्यूड होता है। ठीक है, इसी तरीके से
अब एक लाइन किस तरीके से गुजरती है, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे गुजरती है, ठीक है, ये ऐसे गुजरती है। और जैसे मान लो ये डस्टर है, तो ये तुम्हारी लाइन, ये जो पृथ्वी है, ये ऐसे यहाँ पे सर्कल की तरह चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये सारी लाइनें इमेजिनरी लाइनें होती हैं, ठीक है, अर्थ पर ये इमेजिनरी लाइनें होती हैं। तो इस तरीके से ये चलती हैं, ठीक है। शिवराम, तुम कुछ कहना चाहते हो चैट बॉक्स में लिख दो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। इनको ठीक है, ये ऊपर से जो नीचे यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, देखो लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब देखो इन सारे चीजों से बना हुआ, मान लो अगर इंडिया यहां पर है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोकेशन पता कर सकते हैं कि इंडिया किस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड पर लाई कर रहा है, ये चीजें हम देख सकते हैं इन सारी लाइनों के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो पूरा चैनल बनता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, ठीक है, ग्रिड कहते हैं। समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं। इसी तरीके से अब लैटिट्यूड समझ में आ गया और लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, क्या होता है, ऐसी लाइनें जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलती हैं और उनमें फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ होता है, यानी नॉर्थ टू साउथ की तरफ फ्लक्चुएशन होता है, उनकी जो लाइनें होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है, वो लैटिट्यूड कहलाती है, और लॉन्गिट्यूड उन्हें कहते हैं जो नॉर्थ टू साउथ की तरफ चलती हैं, लेकिन उनका विस्तार जो है वेस्ट टू ईस्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, अब एक एक करके हम इनके बारे में समझते हुए चलेंगे। चलो बना लिया इसे, ग्रिड क्या है समझ में आ गया, ग्रिड उन्हें कहते हैं जो कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को डिवाइड कर लेते हैं। ये मतलब ये पॉइंट को कैसे हम पता करेंगे कि ये इतने इतने लैटिट्यूड पर, इतने लॉन्गिट्यूड पर यह कट कर रहे हैं, जहां पर ये कट करते हैं वो लाइन ग्रिड कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया, इन दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो जाल है अर्थ सरफेस पर, जो जिसके द्वारा हम किसी का सिचुएशन पता कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। और एक बात जान लो, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होता है, ये अर्थ पर पक्की लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिन मतलब
यह सोच का सिर बनाया गया है, यह अर्थ पर परमानेंटली नहीं है, ठीक है। बातें क्लियर, भूमिका समझ में इतना आया? यस सर। यस सर। रोहित आया? रोहित, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जो लैटिट्यूड लाइन होती है जो लैटिट्यूड लाइन है उनका और किस तरीके से, अब लैटिट्यूड लाइंस को हम डीपली थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको देखो, इनको बना लो। ये जो है, मान लो ये हमारा अर्थ सर्फिस है, तो इसके ठीक बीच से जाने वाला जो लाइन होगा उसे हम 0 डिग्री कहेंगे, ठीक है। उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इसके ठीक ऊपर एक लाइन और गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्वेंटी थ्री एंड अ हाफ डिग्री, ठीक है। और इसके ठीक नीचे ही वही हम वही डिग्री मैप करते हैं, 23 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। इसके ठीक ऊपर हम 66 एंड हाफ डिग्री, नंबर में कोई चेंज नहीं है। और इसके ठीक नीचे 66 एंड हाफ डिग्री, लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, और ये साउथ हो जाता है, ठीक है। बना लो इसे। ये जो इक्वेटर देख रहे हो, इक्वेटर के ठीक ऊपर मैंने बताया क्या था, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर था और यह साउथ हेमिस्फीयर था। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर होने के कारण इसमें क्या जुड़ गया, एन जुड़ गया, एन जुड़ गया, एन साउथ जुड़ गया, साउथ जुड़ गया। और इक्वेटर में क्यों कुछ नहीं जुड़ा, क्योंकि वह 0 डिग्री है, वो खुद ही एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को एक आधे आधे पार्ट में डिवाइड करती है। समझ में आ गया? तो ये जो 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ है उसे क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। सर दोबारा से बताना। देखो ध्यान से, जो 66 एंड हाफ डिग्री मतलब 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ जो हेमिस्फीयर ये आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो ये लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन जो जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो साउथ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में 66 एंड हाफ डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिका
अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। अब क्या बचा, 23.5 नॉर्थ। सर क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा सर नीचे से। अच्छा सर आप दे रहा, अब दिख रहा है। यस सर। चलो अंटार्कटिका, ये जो सर्कल है वो अंटार्कटिका सर्कल है, मतलब देखो ध्यान से, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ हो जाता है जब, तो उसे क्या कहते हैं, अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। इतनी बातें नोट डाउन करने वाली हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास अब क्या क्या बचा, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 साउथ, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये जो है क्या कहलाता है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यानी हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और इसी तरीके से 23.5 साउथ में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर, ठीक है, यानी मकर रेखा। ठीक है डियर, सभी को समझ में आया। इतनी बातें समझ में आ गई, भूमिका, रोहित। यस सर। कहीं कोई किसी को डाउट तो पूछो। गौरवेंद्र तुम्हें समझ में आया, शिवराम, शिवराम कोई दिक्कत बताओ। नो सर। अच्छा अब देखो, ये इसी में ही यहां पर एक छोटा सा पोल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि देखो यहां पर भी ऊपर की तरफ पॉइंट है और यहां भी ऊपर की तरफ पॉइंट है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, साउथ पोल, ठीक है बच्चों। सबसे इंड पॉइंट जो होता है लैटिट्यूड और लैटिट्यूड का उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जो कि नॉर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो पोल पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, साउथ पोल, ठीक है बच्चों। इसे बना लो, आप
बन गया, भूमिका बन गया। सर चलो अब देखो हमने क्या जाना अभी तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है, और 66.5 डिग्री साउथ जो होता है वो अंटार्कटिका सर्कल कहलाता है। इसी तरीके से जो उसे स्टार पॉइंट में लिखना और दूसरा स्टार पॉइंट में लिखना, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और दूसरा 23.5 साउथ जो होता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो कुछ लैटिट्यूड लाइंस जो हैं वो कुछ हीट जोन बनाती हैं अपना, ठीक है। हीट जोन बनाती हैं, वो कैसे बनाती हैं इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट जोन होता क्या है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका सर्कल, उसी के बीच में की जो जगह होती है, जो कि उनके बीच में आने वाले जो देश होते हैं उन्हें ही हम अलग अलग हीट जोन से जानते हैं, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करो, ये हमारा अगर अर्थ सर्फेस है, अगर ये हमारा अर्थ है तो, और ये हमारा सेंटर से इक्वेटर जा रहा है, यानी 0 डिग्री इक्वेटर यहां से जा रहा है, तो जो इसके ठीक ऊपर 23.5 होगा और इसके ठीक नीचे 23.5 साउथ होगा और 66.5 नॉर्थ होगा, 66.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ और 20 यहां पे 66.5 डिग्री साउथ और यहां पे पोल रीजन है, और यहां पर भी पोल रीजन है अभी तक हमने पढ़ा, तो इनके बीच में अलग अलग कुछ जोन पाए जाते हैं।
देखो जैसे ये जोन जो है ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके देखो 23.5 से लेके नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ तक जो भी ये इसमें जो आता है जो हीट जोन आता है उसे कहते हैं टेरिड जोन। ठीक है, ये टेरिड जोन होता है। यहां टेरिड जोन होने का कारण क्या है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे हमारा जो सन है, ये मान लो यदि सन है तो इस पर हीट हमेशा सन जो है इस पर हीट डायरेक्टली पड़ती है, मैक्सिमम हीट टेरिड जोन पर ही पड़ता है, इसलिए इसे इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन हीट जोन जो आता है उसे क्या कहते हैं, टेरिड जोन कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से ये जो डैश लाइनें हैं डायग्राम बनाते रहना बेटा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना बार बार, बताऊंगा सर। ठीक है, सन रेज डायरेक्टली पड़ने के कारण ये जो देख लो ना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर सन रेज डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए 0 डिग्री जो इक्वेटर कहलाता है उस पर डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए इसे टेरिड जोन कहते हैं। ठीक है, इस हीट जोन को क्या कहते हैं, टेरिड जोन, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो देखो 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक की जो तुम्हारा जोन आता है उसे क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन कहते हैं, और इसे भी सेम क्या, टेम्परेट। इसी से लेके 23.5 डिग्री जो भी इनके बीच में आता है इन्हें टेम्परेट जोन कहते हैं, क्योंकि यह जो है
थोड़ी तिरछी सनरेज प्राप्त करती हैं। सन से थोड़ा तिरछा इनका रिलेशनशिप होता है। इसमें भी वहां सनरेज जो है थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ये जो हीट यहाँ पड़ता है सन का वो थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए ये दोनों जो रीजन है टेम्परेट जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया सभी को? भूमिका समझ में आया? यस सर। डायग्राम दिख रहा है? वीडियो क्लियर जा रही है? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है? शिवराम, शिवराम। यस सर। समझ में आ रहा बेटा शिवराम? और रोहित आ रहा है सर। गौरवेंद्र। अब देखो, अब हमारा कौन कौन सा रीजन बचा? देखो रीजन कौन कौन सा बचा जो हीट जोन में आता है और बहुत कम सनरेज ले पाता है। ये सनरेज बहुत कम ले पाता है, तो ये जो अपर सरफेस है, ये जो अपर जो लाइन जा रही है, हाँ कॉपी में ही बनाना है, सीडब्ल्यू कॉपी में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये जो बहुत कम हीट ट्रैप कर पाता है सन का, जो बहुत कम हीट ले पाता है सन का, इसे कहते हैं फ्रिगेट जोन। ठीक है, इसे भी क्या कहेंगे फ्रिजिड जोन। ठीक है, ये जो है ये दोनों सेम है, इसी तरीके से ये टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट जोन, और ये इक्वेटर के आसपास जितने भी, देखो कैसे समझेंगे एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो, 23.5 से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री तक जो हमारा टेम्परेट जोन, इसलिए हीट सबसे ज्यादा यह आता है सन से, जो हीट बहुत ज्यादा ये ले पाता है, इसलिए इसे टोरिड जोन कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो 23.5 साउथ से लेके 66.5 साउथ तक, फिर उसके बाद 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 नॉर्थ डिग्री तक, ये है जो रीजन है, ये उससे कम हीट ट्रैप कर पाते हैं सन का, इसलिए इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। और उसके ठीक ऊपर जो ये है, जो पोलर रीजन के आसपास, यानी 66.5 डिग्री से लेके पोल तक, 66.5 डिग्री पोल तक, ये जो जगह है ये बहुत ही कम, इसकी दोनों जगहों से कम एनर्जी ले पाती है, हीट या ले पाती है, इसलिए इस हीट जोन को क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बना लो। बन गया सभी का? सर थोड़ा सा हाँ आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं।
समझ के बनाओ, कोई दिक्कत किसी को कहीं प्रॉब्लम रहे तुरंत पूछो, कोई भी डाउट रहे तुरंत पूछो, ठीक है। हो गया, बना लिया। बना लिया सभी ने? नो सर। बना लो बना लो बना लो। रोहित तुम बना रहे हो? यस सर बना रहे हैं। हाँ बनाओ, तुम्हारी कॉपी में चेक करूंगा, यहाँ से होने के लिए जब कॉपी आएगी तो मैं चेक करूंगा। चौदह तारीख को क्या? अच्छे से बड़ा बनाना था, कैसे बना रहे टेस्ट में पड़े में अच्छे। बना लिया सभी ने? बना लिया? हो गया शिवराम? शिवराम बन गया? यस सर। चलो शिव कतरा, क्या नाम है? शिव खाता? शिव कुमार खटान, तुमने बना लिया? शिव? यस सर। बना लिया बेटा तुमने? समझ में आ रहा तुम्हें शिव कुमार खटान? यस सर। इतनी बातें जितनी बताई मैंने सब समझ में आया तुम्हें? चलो अब जो है थोड़ी सी डिफिनीशंस और ये सब देख लेते हैं। अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया तो समझो बेड़ा पार।
इसमें लिखो लैटिट्यूड्स में पहला पॉइंट और लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस of a place in the north or south of a equator. There are 180 latitudes. ठीक है, इसके बाद latitudes are of unequal length. लैटिट्यूड जो होता है, मैंने बताया ना लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड जो होता है यह इक्वेटर के पैरेलल में चलता है, ये देखो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है, वो 180 होती है, 180 लैटिट्यूड होते हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है वो कहीं छोटी हो जाती है, कहीं बड़ी हो जाती है, कहीं सबसे बड़ी जाती है, और सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वह कौन सा है, वो इक्वेटर है, क्या समझे, नोट डाउन कर लो, यहां लिखो द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटर That is 0 degree.
द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स आर इक्वल, एक से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो जगह है, जो डिस्टेंस है, वह हमेशा बराबर रहेगी। समझ में आ गया? हम अभी लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो। जिससे ये जो जीरो डिग्री है, ये जो सबसे बीच में जो सबसे ज्यादा बड़ी होती है, यह सबसे लंबा लॉन्गिट्यूड है, और इसके नॉर्थ में और साउथ में इसी के पैदल जो लाइनें चलती हैं, उसे ही हम लैटिट्यूड कहते हैं। और यह कुल 180 नंबर होते हैं, इनकी जो काउंटिंग है टोटल कितनी है, 180 है। और इनका जो लेंथ है, ये लेंथ देख रहे हो, लेंथ, ये लेंथ कहीं छोटा तो कहीं बड़ा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, ये लेंथ यहाँ छोटा हो गया, लेकिन ये लेंथ यहाँ बड़ा हो गया, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, वो सब जगह बराबर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई भूमिका? यस सर। गो अहेड। यस सर। समझ में आ गई? जितनी बातें लिखवाई है उसमें से कहीं किसी को कोई बात ना समझ में आया हो वो पूछ ले। नो सर। बताओ कहीं किसी को प्रॉब्लम? एक पॉइंट और लिख लो, द पोल्स विच आर नियर पॉइंट्स नाइंटी डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है। हो गया, लिख लिया? नो सर। देख लो, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? नो सर। लिखो तो धीरे धीरे लिखोगे तो कैसे समझ में आएगा? फिर से इसे समझने की कोशिश करो। लॉन्गिट्यूड जो होता है वह इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों पार्ट में होता है, ठीक है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 180 है। और इनकी जो लेंथ होती है वह कहीं छोटी तो कहीं बड़ी है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो लैटिट्यूड है वह क्या है? जीरो डिग्री है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स आर इक्वल, जो लैटिट्यूड लाइन है उसके बीच के दो लैटिट्यूड के उनके बीच की जगह हमेशा बराबर रहती है, और इनका जो एक सबसे छोटा पॉइंट होता है इसे मेयर पॉइंट कहते हैं, वो होता है नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ठीक है। यहां पर
एक जो लैटिट्यूड पॉइंट के रूप में होता है और यहाँ जो लैटिट्यूड के पास होता है ये होता है 90 डिग्री नॉर्थ और ये होता है 90 डिग्री साउथ। समझ में आ गया? बन गया इतना? यस सर। चलो अब तुम लोग का होमवर्क कॉपी में क्या काम रहेगा, तुम लोग होमवर्क कॉपी में हीट जोन और पूरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स इसको लिखोगे, ठीक है? क्या करना है, जिससे होमवर्क लिख लो, लैटिट्यूड्स के सारे पॉइंट्स और होमवर्क क्या रहेगा, लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है, और हीट जोन। सर ये आपने कराए सर, यही होमवर्क में लिखने हैं। हाँ इसको मैंने डायग्राम से बता दिया है, इसे तुम लोग को लिख के और पढ़ के आना है, ठीक है? समझना है, मैंने अच्छी तरीके से डायग्राम से समझा दिया है, ठीक है? इसमें कुछ भी नहीं है, हमें डायग्राम भी बनाना है। हाँ डायग्राम भी बनाना है, होमवर्क कॉपी में डायग्राम के साथ इसके पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क कॉपी में करना है, ठीक है? यस सर। अभी क्लासवर्क कॉपी में जो कर रहे हो, लेकिन जो होमवर्क कॉपी में तुम्हें क्या करना है, लैटिट्यूड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हीट जोन को डिफाइन करते हुए उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है? समझ में आ गया? पलटो बताऊं? सर लैटिट्यूड वाले फर्स्ट वाले पेज के करने हैं कि सेकंड वाले? सेकंड वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखा है उसे, और 48 पेज आपको पूरा बनाना है, ऐसा करना है। 48 पेज जो दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं नहीं अभी है, ये डायग्राम और ये डायरेक्ट जोन वाला डायग्राम और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स का डायग्राम और हीट जोन ऑफ द अर्थ का डायग्राम बना के इसे और इसे लिखना है होमवर्क कॉपी में, ठीक है? सभी को इसका समझ में आ गया? समझ में आ गया शिवराम? शिव खताना? यस सर। समझ में आ गया तुम्हें शिव? यस सर। चलो इतना होमवर्क में कर लेना। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड समझने का प्रयास करते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड जानने का और उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? मान लो अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा पोल है,
तो यहां से जो ऐसे लाइनें चलती हैं, ऐसे जो लाइनें चलती हैं, ये लाइनें जो चलती हैं, जो कि साउथ नॉर्थ टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत परेशानी बताओ? इस तरीके से जो लाइनें चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल से एमपी से साउथ पोल तक चलने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो यहां से ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइनें चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइनें कहते हैं। अब इनमें कौन कौन सी जो दो लाइनें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? पहला ग्रीन ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और जो दूसरा है वो है ग्रीनविच से स्टार्ट होती है रेखा, मान वो कहां से गुजरती है? वह लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से ये लाइन गुजरती है, इसलिए इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है? लाइन ज्वाइनिंग टू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस।
ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ज्वाइन होने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ऑल द लॉन्गिट्यूड आर इक्वल इन लेंथ। ये क्या होते हैं, ये इनका जो लेंथ होता है, लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, द लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ग्रीनविच अ नियर प्लेस टू नियर लंदन यूके वॉज चूजन इन 1884 एंड मेजर मेन लॉन्गिट्यूड आर द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इससे ही हम ये जो ग्रीनविच रेखा है यहां से ही ये लाइन पहला बार खोजी गई और गुजरी गई, इसीलिए इसे 0 डिग्री का नाम दिया जाता है और वो 180 भी वहीं से गुजरती है। ठीक है, इनका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज नाउ मेजर ईस्ट टू वेस्ट ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन मेजर्ड एज एंगल ऑफ डिग्री। ठीक है, इन देशांतर रेखाओं का क्या महत्व होता है कि इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, इनके माध्यम से हम टाइम निकालते हैं। ठीक है, वी कैलकुलेट द टाइम बाय लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो इसे कैसे समझा जा सकता है, जो एक डिग्री जो ये लॉन्गिट्यूड होता है, यह 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, ये जो एक लॉन्गिट्यूड होता है ये 4 मिनट के बराबर होता है और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360, इनकी कुल संख्या 360 होती है। ठीक है बच्चों, इनकी कुल संख्या कितनी होती है लॉन्गिट्यूड्स की, इनकी कुल संख्या होती है 360। देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स इन ईस्ट एंड 180 लॉन्गिट्यूड्स इन वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट इज कॉमन लाइन। ठीक है, समझो इसे, कुल 360 हुई और 180 ईस्ट में हुई और 180 वेस्ट में हुई, टोटल नंबर। ठीक है, और ये जो लाइन है 180 ईस्ट
एंड 180 डिग्री वेस्ट इज अ कॉमन लाइन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? दोबारा समझाना सर। समझो बेटा फिर से, ये जो हमारी पृथ्वी पर ये लाइनें हैं वो कुल कितनी हैं? 360 है। 360 में हमारे फ्रंट पर ये सामने की तरफ 180 दिखी और इसके पीछे भी 180 दिखी, लेकिन जो ये ईस्ट है, 180 ईस्ट है और इस 180 वेस्ट है, यह एक कॉमन लाइन है, मतलब एक ही लाइन है। ठीक है, समझ में आ गया? रोहित समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? फिर से समझो, इनकी कुल संख्या 360 लाइन है ऐसी, ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड लाइन है ये कुल 360 है, इसमें 180 लाइनें पूर्व की तरफ और 180 लाइनें पश्चिम की तरफ है, लेकिन 180 ईस्ट और 180 वेस्ट ये एक कॉमन लाइन है, ये एक मिला हुई एक ही लाइन है, यह एक सिंगल लाइन है। ठीक है, ज्वाइंट लाइन है। जैसे ये देखो, हमने ये डस्टर लिया, हमने कह दिया सामने की तरफ 180 लाइन, सामने की तरफ 180 लाइन, पीछे की तरफ, तो इधर जो एक सी ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन जो जा रही है तो पूरा एक ही हुआ ना, समझे? ये लाइन जो जा रही है तो पूरा एक ही हुआ ना, तो ये एक कॉमन लाइन है। ठीक है, आप समझ में आ गए रोहित? यस सर। अगला लिखो, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल। आर सेमी सर्कल। हाँ बोलो बेटा। देखो अब इसको समझो, ये जो लाइन कह रहे हैं यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, 180 ईस्ट और 180 नॉर्थ मिलकर एक सर्कल बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी एक तुम पकड़ोगे वो अर्थ सरफेस पर, ये इस तरीके से मान लो सरफेस है, तो ये मान लो ऐसे लाइनें जा रही हैं, तो ये ऐसे पीछे की तरफ लौट के एक लाइन पूरा एक सेमी सर्कल बना लेगी। समझ में आ गया? लेकिन एक लाइन जो बचेगी 180 डिग्री ईस्ट और 180 वेस्ट, ये तुम्हारी पूरा एक सर्कल फॉर्म कर लेगी। ठीक है, सेमी सर्कल और सेमी सर्कल में समझ में अंतर समझ में आ गया? चलो अच्छा, कहीं शिव तुम्हें समझ में आ रहा? शिव खजाना। यस सर। शिव समझ में आया? यस सर। दोनों यस सर, दोनों से समझ में आया तुम्हें? दोनों से जो हो आप लोग? यस सर। यस सर। चलो लूज। नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? गौरवेंद्र बताओ। गौरवेंद्र, हाँ गौरवेंद्र बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मैं क्लियर करूं। गौरवेंद्र घबराओ नहीं, बोलो सर दोबारा समझाओ। देखो हमने जो अभी तक पढ़ा, ये जो हमारी लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, यह गिनी जाती है, तो एक लाइन ऐसे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो इस तरीके से गिना हमने तो 360 टोटल लाइनें निकलती हैं। ठीक है, कितनी लाइनें निकलती हैं बताओ गौरवेंद्र?
गौरवेंद्र यस सर कितनी लाइनें निकलती है ऐसे बताओ 360 लाइनें निकलती है ठीक है तो अर्थ का जो हम ये मान लो सामने का फेस है ये सामने का फेस है तो ये 180 सामने हुआ और ठीक 180 पीछे हुआ ठीक है लेकिन ये 180 और ये 180 मिलाकर एक ही लाइन तो है मिलाकर एक ही लाइन तो है चाहे आगे कहो चाहे पीछे तो यह जो है कॉमन लाइन हुआ एक कॉमन लाइन का मतलब एक सेम लाइन हुआ ठीक है गौरवेन समझ में आया भूमिका तुम्हें समझ में आया भूमिका यस सर चलो छुट्टी कितने बजे होगी अब एक लास्ट पॉइंट बच रहा है एनी टू अपोजिट मेरिडियन देखो अभी जो मैं बता रहा था मान लो अगर यह 20 डिग्री है इसके ठीक जो पीछे की तरफ जो जाएगा वो कौन सा होगा वह 20 डिग्री 120 डिग्री पीछे की तरफ होगा ठीक है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं ठीक है सर रिपीट करना दोबारा से फिर से समझो देखो मान लो ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है फिर से समझो इसको मान लो तुम्हारा ये अर्थ सरफेस है और तुमने एक मान लो 20 डिग्री यहां से लिया ये तुम्हारा 20 डिग्री ये सामने तुम्हें दिख रहा है अर्थ पे ये 20 डिग्री है लेकिन इसके पीछे की तरफ अर्थ के पीछे की तरफ जब देखोगे तो अंदर की तरफ भी एक वही लाइन गुजरेगी ना पीछे की तरफ अंदर की तरफ मान लो ये तुम्हारी लाइन यहां से 20 डिग्री आगे की तरफ दिख रही है इसके पीछे भी तो ये जो डस्टर का पीछे वाला भाग है इसके पीछे भी तो वही लाइन गुजरेगी समझ में आया यहां अगर 20 डिग्री घूम रही है तो अर्थ के ठीक नीचे से होते हुए वह ऊपर से यहां तो घूमते हुए बाकी एक सर्कल फॉर्म कर लेती है इसी को हम क्या कहते हैं ग्रेट सर्कल कहते हैं अब समझ में आया यस सर सर वो 120 डिग्री कैसे हुआ 120 डिग्री वो मैं बताऊंगा कल जब हम लॉन्गिट्यूड और टाइम कैलकुलेट करेंगे तब ठीक है देखो जैसे 20 डिग्री का मतलब होता है 20 गुणे 4 बराबर 80 मिनट यानी एक घंटा 20 मिनट इसी तरीके से जब 120 को हम गुणा करेंगे 4 मिनट से तो 12 × 48 480 किलो ठीक है ये हो जाएगा आठ घंटे देखो कितने घंटे का अंतर आ रहा है ठीक है अगर तुम्हारी घड़ी में अगर अभी 12 बज रहे हैं 1:20 हो रहे हैं तो दूसरी जगह पर पीछे की तरफ 8 बज रहे होंगे ठीक है ऐसे निकाला जाता है मैं अगली क्लास में इसको बताऊंगा ठीक है एनी टू अपोजिट मेरिडियन
120 ईस्ट एंड 120 वेस्ट, देखो लिखा है ना 120 ईस्ट टू 120 वेस्ट फॉर्म कंप्लीट सर्कल इन विच आल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्कल। ठीक है, अब जो हम यहां पढ़ेंगे वो लॉन्गिट्यूड और टाइम को किस तरीके से निकाला जाता है निकाल उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप लोग इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हीट एंड हीट जोन और लॉन्गिट्यूड के बारे में होमवर्क में लिख के लेके आएंगे। ठीक है, यस सर लॉन्गिट्यूड को भी होमवर्क में लिखना है, लॉन्गिट्यूड को भी होमवर्क में लिखना है। चलो सर लॉन्गिट्यूड को भी लिखना है। हाँ लॉन्गिट्यूड भी लिखना है होमवर्क कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे हर बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, चलो मेहनत करते रहो बच्चों, किसी को कहीं भी कोई समस्या रहा करे क्वेश्चन में पूछ लिया करो। ठीक है, आई एम ऑलवेज बी देयर, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या परेशानी पूछ लिया करो। ठीक है भूमिका, शिव राम, शिव खरताना, यस सर, गौरवेंद्र, यस सर, रोहित, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है पूछ लिया करो। ठीक है बेटा, सेकंड चैप्टर का मैंने नोट भेज दिया था, सेकंड चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है, आप लोग करो और ठीक है, अब उसको सेकंड चैप्टर्स को भी कंप्लीट करो, थर्ड चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं उसको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय, गुड बाय।